एशियन गेम्स के 13वें दिन भी हरियाणवी छोरे अड़छोरियां का दबदबा रहा। आज यानी शुक्रवार को कुश्ती में हरियाणा के 3 पहलवानों ने 3 मेडल भारत की झोली में डाले हैं। इसमें सोनीपत की सोनम मलिक, हिसार की किरण और झज्जर के अमन सहरावत शामिल हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज जीतने के बाद सोनम मलिक ने वीडियो कॉल पर हमसे खास बातचीत की और बताया कि आखिर गोल्ड जीतने में कहां कमी रह गई थी। सुनिए ये खास बातचीत। कैसा लग रहा है मेडल लाके? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, कहाँ चूक मानते हो? चल रहा है क्या? थोड़ा सा वही तीसरा नंबर आया तो दिल से प्यार के साथ बहुत खराब हो गई है। नहीं तो बोल दो फाइनल लड़ते हम रंग बदलते इंडिया के लिए रोज तो आज कुछ दिन में आई नहीं है। अच्छा, आगे कितनी प्रैक्टिस और करोगे? प्रैक्टिस बहुत करेंगे, अभी ऐसे काफी टफ कंपटीशन है उसके लिए। चल, क्या कहना चाहोगे मेरे चैनल के माध्यम से? क्या कहना चाहोगे देशवासियों को? गर्व जितना स्पोर्ट किया रोज पापा परिवार ने, पापा स्पोर्ट किया धन्यवाद। चलो जल्दी आओ, बेस्ट ऑफ लक। जीत के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और सोनम मलिक के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।